दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि परिवर्तन हमेशा विकास नहीं ला सकता, लेकिन परिवर्तन के बिना विकास हो ही नहीं सकता। दोस्तों कहानी एक आश्रम की, जहां पर एक गुरुजी रहा करते थे जो उस जमाने में उपनिषदों पर वेदों पर बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे। उनकी बात सुनने के लिए देश विदेश से वहां पर शिष्य आते थे और उनसे ज्ञान अर्जित किया करते थे। तो दोस्तों एक बार की बात है कि गुरुजी की सभा चल रही थी और गुरुजी बच्चों को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन तभी एक बिल्ली का पिल्ला वहां पर आ जाता है और उन सबके बीच में इधर उधर घूमने लगता है। वो बिल्ली का पिल्ला ना सिर्फ गुरुजी का ध्यान भटका रहा था, बल्कि शिष्यों के बीच में भी कोलाहल का माहौल पैदा कर रहा था। और इसीलिए गुरुजी ने कहा, शिष्यों इस बिल्ली को पकड़ो और एक खंभे से बांध। शिष्यों ने जैसी गुरुजी की आज्ञा सुनी, उन्होंने तुरंत ही बिल्ली के बच्चे को पकड़ा और एक खंभे से बांध दिया। उस बिल्ली को खंभे से बांध देने के बाद में बिल्ली वहां पर शांत तरह से बैठ गई और उसके बाद गुरुजी ने अपना प्रवचन कंटिन्यू रखा, बच्चों को ज्ञान देना कंटिन्यू रखा। जब दूसरा दिन आया तो गुरुजी के सभा में फिर से एक बार बिल्ली का बच्चा कोलाहल मचाने लगा। गुरुजी ने फिर से कहा कि इस बिल्ली को पकड़ो और खंभे से बांध। उस दिन भी दोस्तों उनके शिष्यों ने बिल्ली को पकड़ा और खंभे से बांध दिया और उसके बाद उनकी सभा बड़ी आसानी से चलती रही, बड़ी उपयोगी तरह से चलती रही। तो दोस्तों अब ये रोज की बात बन गई थी कि रोज जब सभा शुरू होती तो वहां पर बिल्ली पहुंच जाती, बिल्ली को पकड़ा जाता, एक खंभे से बांध दिया जाता और उसके बाद उस प्रवचन में कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों ऐसा ये सिलसिला साल दो साल तक चलते रहा और एक दिन दोस्तों बहुत विकट घटना हुई कि गुरुजी का देहांत हो गया। गुरुजी की अंतिम क्रिया पूरी हो जाने के बाद में गुरुजी के ही शिष्यों में से एक नया गुरु नियुक्त किया गया और दूसरे दिन से फिर से प्रवचन का ज्ञान देना शुरू हो गया। पुराने शिष्य जाते रहे, नए शिष्य आते रहे और ज्ञान का प्रवाह इसी तरह से चलते गया। लेकिन जब भी प्रवचन किया जाता था तो बिल्ली को सबसे पहले खंभे के साथ बांध दिया जाता था। लेकिन दोस्तों एक दिन एक ऐसी घटना हुई कि बिल्ली का भी देहांत हो गया। दोस्तों दूसरे दिन जब नए गुरुजी का प्रवचन शुरू हुआ तो गुरुजी कुछ सहम से गए थे, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनको आज के प्रवचन में कुछ कमी महसूस हो रही थी। जब गुरुजी ने सब चीजों पर विचार किया तो उनका ध्यान गया उस खंभे की तरफ जहां पर रोजाना बिल्ली को बांधा जाता था। गुरुजी ने तुरंत अपने शिष्यों से कहा कि क्या तुम सबको ये बात पता नहीं है कि जब भी मैं प्रवचन लेता हूं तो उस खंभे को एक बिल्ली बंधी होनी चाहिए। देखो आज वहां पर कोई भी बिल्ली बंधी हुई नहीं है, इसलिए मैं प्रवचन में फोकस नहीं कर पा रहा हूं। तुम लोग जल्दी से जाओ, एक नई बिल्ली को पकड़ कर लाओ और जल्दी से उस खंभे से बांधो, तब ये प्रवचन आज का स्टार्ट होगा। शिष्य तुरंत ही उठे और एक नई बिल्ली को पकड़ कर लाया गया और उस खंभे से बांध दिया गया। और दोस्तों जैसी बिल्ली उस खंभे से बंध गई, गुरुजी ने प्रवचन शुरू किया और उस दिन उन्होंने ऐसा प्रवचन दिया जैसा प्रवचन उन्होंने आज तक कभी नहीं दिया। प्रवचन खत्म होने के बाद में गुरुजी ने बच्चों से कहा कि बच्चों इस आश्रम की प्रथा रही है कि जब भी गुरुजी यहां पर प्रवचन देते हैं तो खंभे से बिल्ली बंदी होनी चाहिए। इस प्रथा को तुम लोग भी आगे कंटिन्यू करना, फिर देखना किस तरह से प्रवचन इस आश्रम में दिए जाएंगे। उस दिन दोस्तों शिष्यों के दिमाग में जितना प्रभाव गुरुजी के ज्ञान ने डाला था उससे भी कई ज्यादा प्रभाव बंदी हुई बिल्ली ने डाल दिया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सच में गुरुजी के ज्ञान प्रभाव में जो अड़ंगा आ रहा था क्या वो बिल्ली के ना होने से आ रहा था? इसका आंसर है नहीं। दोस्तों परंपराएं, ट्रेडिशंस, प्रथाएं एक समय पर बनाई जाती है उस समय के सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उस समय पर उन ट्रेडिशंस की सच में जरूरत होती है। दोस्तों मैं सिर्फ किसी धर्म से रिलेटेड, किसी समाज से रिलेटेड प्रथाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो छोटे छोटे रिचुअल्स की बात कर रहा हूं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमने हमारे जिंदगी में पिरो लिए। दोस्तों मैंने ऐसे कई लोग देखे कि जो अगर सुबह सुबह अपने माथे पर तिलक लगाकर घर से ना निकले तो दिन भर बेचैन रहते, उनका दिन बहुत बुरी तरह से गुजरता है, ऐसा उनको लगने लगता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे जो ऑफिस में पहुंचते ही सबसे पहले उनको चाय चाहिए होती है और वो चाय अगर उनको सुबह सुबह ना मिले तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। दोस्तों ये जो चाय, ये जो तिलक जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे रिचुअल्स जो हमने खुद के लिए बना लिए ये उनका प्रतीक है। ये रिचुअल सिर्फ आपकी आदत ही नहीं है, ये खंभे से बंधी हुई वो बिल्ली है जिसके ना रहने से आप बेचैन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम सबको ये बात समझने की जरूरत है कि किसी बिल्ली से, किसी तिलक से, किसी चाय से हमारी ताकत नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी नहीं है। हमारी पर्सनैलिटी इसलिए है क्योंकि हम में वो हर गुण अवेलेबल है जो हम में होना चाहिए। दोस्तों जिंदगी में कुछ आदतें होना बहुत अच्छी बात होती है, तब तक जब तक वो आदतें आपकी पैर की बेड़ी ना बन जाए। तो आइए दोस्तों परंपराओं को, रिचुअल्स को, ट्रेडिशंस को अपनाते हैं तब तक जब तक वो हमारे समाज में और हमारे जिंदगी में एक अहम भूमिका निभा रही है एक बड़ा परिवर्तन लाने का। लेकिन दोस्तों वही परंपराएं अगर हमारे पैर की जंजीर बनकर हमारे जिंदगी में होने वाले परिवर्तन को रोक रही है तो समय आ गया है उन परंपराओं में परिवर्तन लाने का। तो आइए दोस्तों एक निश्चय करते हैं कि हमारे जिंदगी में जो भी छोटे मोटे रिचुअल्स हमने अपनाए हैं उनकी यूटिलिटी को समझने की कोशिश करें, और अगर उसकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी है तो उन रिचुअल्स में भी छोटा सा परिवर्तन लाए ताकि हमारे जिंदगी में होने वाले बड़े बड़े परिवर्तनों को हम अडॉप्ट कर सकें। दोस्तों याद रखिएगा जो लाइन मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कही थी कि परिवर्तन हमेशा विकास नहीं ला सकता, लेकिन परिवर्तन के बिना विकास आ भी नहीं सकता। तो आइए दोस्तों एक कदम उठाते परिवर्तन की तरफ, एक कदम उठाते हमारे जीवन के विकास की तरफ।